भाई साहब जोकर फर्स्ट की अपार सफलता के बाद ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करने के बाद जोकर 2 ऐलान हो चुकी है, यानी उसका ट्रेलर आ चुका है। अभी देखते हैं कि ट्रेलर में क्या है क्या नहीं है, कितना समझ में आया, क्योंकि भाई ऐसी मूवी बहुत दिमाग लगा के देखनी पड़ती है। और जोकर फर्स्ट पार्ट में भी यही हुआ था, क्योंकि बहुत से ऐसे मोमेंट थे जो टॉक्सिक तो थे लेकिन भाई पॉजिटिविटी काउंट करी जा रही थी उनकी। एक ऐसा बंदा जिसे सोसाइटी ने नकारा है, इसे सोसाइटी ने कभी प्यार नहीं दिया, वो अपनापन नहीं दिया, लेकिन वही बंदा सोसाइटी को हंसा रहा है, बावजूद इसके कि उसमें बहुत सारा डार्क साइड है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, लेकिन उस नेगेटिविटी को भी ऐसे चैलेंजिंग मोड में दिखाना डायरेक्टर की तरफ से, वो विजन जो लोगों ने सोचा तक नहीं होगा, लेकिन उसे इतनी बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करके एक पॉजिटिव वे में दिखाना, भाई ये सारा अतरंगी मिजाज लोगों को बहुत पसंद आया था। और जोकर फर्स्ट पार्ट में ये सारी अतरंगियाँ हुई थी, दैट्स वाई कि वो मूवी ऑस्कर के लिए गई थी। और जिस हिसाब से वाकिन फिनिक्स जॉकिन फिनिक्स खैर प्रोनाउंसिएशन जो भी है आपके हिसाब से जो सेट लगे वो ले लेना, लेकिन भाई साहब इस बंदे ने जो फाइन एक्टिंग दिखाई है, एक बंदा मतलब एक जोकर सिर्फ सोसाइटी को हंसाता नहीं है, उसके पीछे भी उसकी डार्कर एक लाइफ होती है जिसे कोई शायद समझना नहीं चाहता है, लेकिन वो डार्कर साइड उसके अंदर किस तरीके से घर करते जाती है रोज, क्योंकि समाज उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन उसी चीज़ के लिए कि भाई साहब अटेंशन तो सभी को चाहिए होता है, और अटेंशन किसको प्यारा नहीं होता है, बस उसे अटेंशन नहीं मिला, लेकिन जितना भी वो निगेटिव एंड डार्कर होता गया उसके हर दिन वो चीज़ जुड़ते गई। और वो लास्ट में जब हमने देखा कि उस बार कि एक बार के लिए वो एक ऐसा मोमेंट आ गया उसकी लाइफ में कि भाई अगर कोई एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे तो क्या फ़ायदा जीने का, मतलब लाइफ जी भी रहे हैं तो क्या ही हो रहा है अच्छा, क्योंकि उसे वो चीज़ तो मिल ही नहीं रही है जो लोगों को मिलनी चाहिए, अगर अकेला है भी तो फिर क्या फ़ायदा, एक मांस का टुकड़ा ही है जो बस चल रहा है खेल रहा है, क्योंकि फीलिंग्स नाम की उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं रह चुकी है, कोई दुख तो दुख है ही है, और उस दुख में इतना ज़्यादा उसके अंदर गहराई से कब्जा कर लिया है जो कोई भी मोमेंट को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा है। लाइक लास्ट में जो हमने वो डार्कर साइड देखी थी भाई साहब, सारे लोगों के सामने उसने बिना किसी परवाह के, एक छोटी सी परवाह के बगैर भी सीधे गोली चला दी थी, और वो उसके बाद जेल में चला गया, और वहाँ पर भाई साहब ट्रेलर में टीजर में यही देखने को मिल रहा है कि वो जेल में जा चुका है, यानी उससे जीने की कोई मतलब कोई वैल्यू समझ में आ नहीं रही है, उसे जीने का कोई मन है नहीं ज़्यादा। लेकिन भाई इस पार्ट में क्या होने वाला है, अपने जोकर की लाइफ में होने वाले हैं चेंजेस, क्योंकि उसका प्यार जिसकी जीने की वजह जो सॉलिड होने वाली है वो उमड़ के सामने आने वाली है। हार्ले क्विन भाई ये पार्ट, ये कैरेक्टर आपने देखा होगा अबर्ड्स ऑफ प्रे, मतलब डीसी का एक मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर इसे कह सकते हैं, और इस मूवी में भाई लेडी गागा रोल प्ले कर रही हैं, और लेडी गागा इस तरीके से जा सकती हैं मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था, लेकिन जो ये जोड़ी देखने को मिल रही है, जो ये कपल देखने को मिल रहा है, क्योंकि टॉक्सिसिटी भाई साहब किस हिसाब तक हो सकती है, जिस हिसाब तक आप सोच भी नहीं सकते उस हिसाब की टॉक्सिसिटी यहाँ से देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अब जोकर में थोड़ा सा अपना क्या आने वाला है, थोड़ा सा चेंजेस आने वाला है, क्योंकि भाई साहब दिल में अब उसके प्यार की घंटी जगने लगी है, और मोहब्बत अच्छे अच्छों को बदल देती है, चाहे कितनी भी निगेटिविटी कितनी भी डार्कर साइड आपके मन में या दिल में क्यों ना हो, लेकिन हार्ले क्विन एक ऐसा टिपिकल एंड टॉक्सिक कैरेक्टर, डार्कर साइड निगेटिविटी जितनी भर सको वो उतना ही इंटरेस्टिंग होता है, और जिस चीज़ के लिए भाई मैं तैयार हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ट्रेलर ने ही भाई साहब ऑस्कर विनिंग वाली वाइब दे दी है कि भाई नॉमिनेशन वाला जो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, और जो फर्स्ट इम्प्रेशन था ऑसम था, ट्रेलर भाई ऑसम है, प्रॉमिसेस है, बहुत प्रॉमिसिंग है। मूवी म्यूजिकली होने वाली है, पहले देख के लग रहा था कि भाई इतना कुछ, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा एक्सप्रेशन के जरिए, लेकिन म्यूजिक से ये क्या समझा सकते हैं भाई, म्यूजिक की जो भी वाइब इसमें आ रही है, एक्चुअल वैल्यू क्या होती है म्यूजिक की भाई इसमें पता लगेगा, क्योंकि वो एक एक मोमेंट, एक एक स्ट्रिंजेस एंड ट्यून्स दिल से खेल रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं, जो एक हैप्पीनेस की वाइब दे रहे हैं। कैरेक्टर चीज़ें सारी डार्कर होने वाली है, वायलेंस भर के मिलने वाला है, कहीं बॉम्ब फूट रहे हैं कभी कुछ, और वो बीच में स्ट्रीट में वो दोनों का डांस करना इसे बताता है कि भाई इन दोनों को कोई परवाह नहीं है दुनिया की, क्योंकि ये आपस में ही एक दुनिया है और अपनी ही दुनिया में मगन है, मस्त है। जोकर को तो वैसे भी एक्सपेक्टेशन नहीं था बाहर से, हार्ले क्विन और उसमें एक तड़का मार के जाएगी जो बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ ना निगेटिविटी एंड डार्कर, भाई बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत कुछ है। टीजर ट्रेलर दमदार था, आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखना, और इस चीज़ के लिए कितना एक्साइटेड हो, अपने वॉकिन फिनिक्स की एक्टिंग के लिए वही मसाला वाली एक्टिंग फिर से देखने के लिए कितना एक्साइटमेंट है आपको। देन लेडी गागा आपको हार्ले क्विन के रोल में कैसी दमदार लग रही हैं, क्योंकि उसमें भाई फर्क है, निगेटिविटी देखने को मिलने वाली है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।